अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक के साथ हम हाज़िर हुए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और YouTube पे सबसे जो मेन किरदार है आपकी वीडियोस को देखने का वो इसी का है। तो आज का टॉपिक है YouTube पे जो थंबनेल है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊँगा। तो उसके लिए आपने पहले सबसे प्ले स्टोर पर जाना है और आपने ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, पिक्सल ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी थी, क्योंकि मैंने की हुई है ऑलरेडी डाउनलोड। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आपने ओपन कर लेनी है। तो ये मैंने पहले बनाया हुआ है थंबनेल, तो मैं आपको दोबारा बनाता हूँ कि किस तरह बनाना है आपने। ऐसे आपने तस्वीर ले लेनी है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कोई भी आपने पिक्चर ले लेनी है अपनी मर्ज़ी की। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, आपने यहाँ जाना है इमेज साइज़ में, यहाँ आपको डिफरेंट जो है वो साइज़ नज़र आएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यूट्यूब थंबनेल, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। अब आपने जो भी पिक्चर वगैरह अगर ऐड करनी है तो यहाँ से आप गैलरी से पिक्चर ले लेंगे, कोई भी पिक्चर ऐड कर लें, लाइक ये मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं यही ऐड कर लेता हूँ। नहीं कैसे कर लेते हैं, तो इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप इधर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लें। मैं ये ऐड कर लेता हूँ सैंपल के तौर पे, इसका हम साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कलर ऐड कर लेते हैं, इसकी खूबसूरती के लिए हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह की इसमें सेटिंग रखनी है। इसमें आप स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, जिस फन के लिए मैंने ऐड किया है। इट्स अप टू यू कि आपने क्या ऐड करना है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ये तो ये दोस्तों हमारा थंबनेल रेडी है, तो अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको एक्सपोर्ट इमेज का आएगा ऑप्शन, इस पर आप सेलेक्ट करना है सेव टू गैलरी। बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सेटिंग सारी यही रहने देनी है। आपने सेव टू गैलरी कर लेना है और आपका जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो जाएगा, और इसको आप जाके क्रिएटर स्टूडियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।